हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज की इस वीडियो में बात करेंगे कि क्या हमें ग्राफिक कार्ड लेना चाहिए कि नहीं। अगर आप सिर्फ फोटो एडिटिंग करना चाहते हो, वीडियो एडिटिंग करना चाहते हो, या तो फिर एक बेसिक लेवल का डेस्कटॉप बनाना चाहते हो, तो उसमें हमें ग्राफिक कार्ड लगाना चाहिए कि नहीं, तो इसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो वीडियो लास्ट तक देखते रहिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। बेसिकली मेरे पास भी एक ग्राफिक कार्ड है 2GB का DDR5, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हो। तो इनके जरिए मैं आपको ये भी बताऊंगा कि ये ग्राफिक कार्ड रेंडर करने में और वीडियो को एक्सपोर्ट करने में वर्क देता है कि नहीं। लेकिन इनसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप ग्राफिक कार्ड का इस्तेमाल देखना चाहें, मतलब कि ग्राफिक कार्ड का इस्तेमाल कहां पे होता है, अगर आप कोई भी गेम खेलते हो या तो फिर अच्छे वीडियो आउटपुट देखना चाहते हो, जैसे कि 4K वीडियो है, तो वो ग्राफिक कार्ड के बिना नहीं, अच्छे से नहीं चलता। तो इनके लिए आपको ग्राफिक कार्ड डेफिनेटली परचेस करना होगा। अगर आप गेमिंग करना चाहते हो या तो फिर अच्छे 4K वीडियो आप देखना चाहते हो, लेकिन अगर आप सिर्फ बेसिक लेवल का डेस्कटॉप बनाना चाहते हो, जैसे कि वहाँ पे एक रैम हो गई, एक मदरबोर्ड, एक बेसिक लेवल का प्रोसेसर और जो भी कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे कि SSD है, हार्ड ड्राइव है, तो उस लेवल का अगर आप कोई भी डेस्कटॉप बनाना चाहते हो, तो वहाँ पे ग्राफिक कार्ड का इस्तेमाल ना करें तो बेटर है। वहाँ पे आपको एक अच्छे प्रोसेसर की तरफ ध्यान देना चाहिए, क्योंकि आपको शायद पता होगा कि जो भी प्रोसेसर हमें देखने को मिलते हैं, उसमें भी हमें इंटीग्रेटेड ग्राफिक देखने को मिलता है। अगर आप हायर वेरिएंट में जाओगे, तो वहाँ पे आपको ऑप्शन भी देखने को मिलेंगे कि आपको ग्राफिक कार्ड वाला प्रोसेसर चाहिए या फिर विदाउट ग्राफिक वाला, तो वो भी आप एक अलग तरीके से देख सकते हो। जो भी अच्छे वेरिएंट होते हैं, उसमें ये हमें ऑप्शन देखने को मिलता है, जैसे कि i5 है, तो उसमें हमें ऑप्शन देखने को मिलता है। तो बेसिकली अगर आप फोटो एडिटिंग करना चाहते हो, वीडियो एडिटिंग करना चाहते हो, तो आपको ग्राफिक कार्ड नहीं लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आप वीडियो देख सकते हो, मैंने कुछ प्रीमियर प्रो में वीडियो रेंडर किया है, एक्सपोर्ट किया है, तो वहाँ पे आप देख सकते हो ग्राफिक कार्ड का 1-2% ही इस्तेमाल होता है, तो वो भी इतना हेल्पफुल नहीं होता, मतलब कि प्रोसेसर को हेल्पफुल नहीं होता, वो सिर्फ वीडियो को आउटपुट देने में ही इस्तेमाल होता है। इसलिए आपको ज़्यादातर फोकस एक अच्छे प्रोसेसर के ऊपर करना चाहिए, जैसे कि i5 11400, मतलब कि 11th generation, 12th generation, या तो फिर आप i7 भी ले सकते हो, तो वहाँ पे मतलब कि जो रेंडर होता है वो काफ़ी अच्छे तरीके से होता है। और हाँ, फोटो एडिटिंग में तो आप विदाउट ग्राफिक भी अच्छे से चला पाओगे, और उसमें अगर बेसिक लेवल का प्रोसेसर है तो भी ये अच्छे से चल जाएगा। लेकिन अगर आप सिर्फ फ़ोटो एडिटिंग और वीडियो एडिटिंग के लिए लेना चाहते हो, तो ये बिल्कुल ही पैसा बर्बाद जैसा ही है। इनसे अच्छा तो आप एक अच्छे प्रोसेसर में पैसे डालें, ताकि वो सभी कामों में आपको अच्छे से परफॉर्मेंस दे सके। वीडियो पसंद है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा।